मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर भाजपा नगर मंडल द्वारा खेत धरना आंदोलन विरोध प्रदर्शन शनिवार को दोपहर 12 बजे खरगोन जिले के सनावत के बरुद स्थित मार्केटिंग सोसाइटी में किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष श्याम पुरोहित ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कमलनाथ सरकार ने किसानों के कर्ज माफी और यूरिया संकट और अन्य किसानों की समस्याओं को लेकर धरना किया जा रहा है। किसानों के हित में आगे भी इसी प्रकार के आंदोलन किए जाएंगे। धरना प्रदर्शन को कई नेताओं ने संबोधित कर कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के अंत में कमलनाथ सरकार की सद्बुद्धि के लिए पूर्व जिला महामंत्री रामचरण कुशवाहा के नेतृत्व में हनुमान चालीसा पाठ का भी आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता और किसान मौजूद थे। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां भी परेशान हैं। ये कांग्रेस की सरकार का आलम है। एक समय हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का सुशासन हुआ करता था। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय पूरा क्षेत्र भूखी रहता था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है हर आदमी परेशान है। शासकीय कर्मचारी से लेकर बच्चे बच्ची तक परेशान है। ये कांग्रेस का आलम है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर 12 से 2 बजे के बीच में सभी मंडल स्तरों पर धरना आंदोलन का कार्यक्रम पार्टी द्वारा तय किया था। इसी के अंतर्गत सनावट नगर मंडल द्वारा बिहार सोसाइटी के सामने आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया और यह किसानों की मांग, किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं मिला है, किसानों को अतिवृष्टि होने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं हुआ, न कोई मुआवजा राशि किसानों को जारी की गई और किसानों की समस्याओं को लेकर आज यहां धरना आंदोलन का कार्यक्रम पार्टी द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक, थैंक यू। जनता पार्टी के कार्यकर्ता खेत किसान आंदोलन को लेकर प्रत्येक जो मंडल में एक सोसाइटी है उस सोसाइटी पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के सम्मान में अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सोसाइटी को इसलिए चुना है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनका जो केंद्र बिंदु है वो सोसाइटी है। यहाँ पर अभी रबी की फसल का सीजन चल रहा है और जो पिछले हमारी शिवराज सिंह जी की सरकार के समय किसानों के लिए पूर्व में ही खाद का स्टॉक कर लिया जाता था, किंतु वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है इसके द्वारा किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। और जो हमारे किसान भाई यहाँ पर सोसाइटियों में आ रहे हैं वो खाली हाथ आते हैं, पावतियाँ लेकर दिन भर लाइन में खड़े रहते हैं और उनको जवाब मिलता है कि यहाँ पर खाद का स्टॉक नहीं है। शासन के द्वारा 266 रुपये में खाद की बोरी उपलब्ध कराई जाती है और वहीं व्यापारियों के द्वारा 350 रुपये में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना अंतर हमारे किसान भाइयों के साथ में इस प्रकार का जो सौतेला व्यवहार, लापरवाही की जा रही है, निश्चित ही आपदा जो पिछले दिनों अतिवृष्टि हुई थी उसमें भी हमारे किसान भाइयों का बहुत नुकसान हुआ। तब भी केंद्र की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन के लिए भेजे थे और मध्य प्रदेश सरकार के पास में पूर्व से ही 900 करोड़ रुपए थे, पर किसान भाइयों को आज तक आपदा प्रबंधन की राशि भी नहीं मिली। यह जो कमलनाथ की सरकार है 2 लाख रुपये का कर्ज माफी के नाम पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।